मोदी जी को 400 पार लगाने वाला है, 400 पार लगाने। 4 तारीख को 400 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को दो हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं, भाजपा की सरकार तो बन रही है मगर मोदी जी की माला में आप यहां से भी कुछ कमल भेज दीजिए, वो पंजाब को खुशहाल बनाए। ए रवनीत बिट्टू, मेरा दोस्त है, 5 साल से दोस्त बना है मेरा। मैंने संसद में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के एमपी थे तब भी कहा था, रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है और जिन्होंने भी इनके दादाजी की हत्या की है उनको हम माफ नहीं कर सकते, नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं अपील करने आया हूं, ये रवनीत बिट्टू को लुधियाने से दिल्ली की संसद में भेजिए, इसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, मैं करूंगा। बताओ भेजेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजेंगे क्या? भाइयों और बहनों, 4 जून को 400 से ज्यादा सीट आनी है और 1 जून को केजरीवाल जी को जेल जाना है और 6 जून को, 6 जून को राहुल बाबा वैकेशन पर बैंकॉक जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसके बीच में है? एक और थोड़ी गर्मी तपते ही, थोड़ी गर्मी तपते ही बैंकॉक थाईलैंड जाने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बाद दीपावली के दिन भी छुट्टी बनाए बगैर सरहद पर जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में तो गले मिलकर चलते हैं, जैसे ही पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है जानी दुश्मन बन जाते हैं। भारत माता की, मैं आज आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पूछना आया हूं, भैया दिल्ली में आपका समाधान है, आपका दिल्ली में समाधान है, हरियाणा में समाधान है, गुजरात में समाधान है, तो पंजाब में क्यों नूरा कुश्ती कर रहे हो, काहे क्यों कर रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक गवंडिया गठबंधन जो मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है इसका इतिहास क्या है? कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने, और भाइयों बहनों दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मगर 25 पैसे का आरोप मोदी जी पर कोई नहीं लगा सका, कोई। भाइयों बहनों, ये सारे लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू सिख की बात कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनाया और राम मंदिर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी
देश आजाद हुआ तब होती तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा पाकिस्तान में न होता, भारत में होता। भारत में मोदी जी ने ठीक ही कहा, 71 में लड़ाई हारे थे, 1,00,000 सैनिक अपने यहां गिरफ्तारी में था, अरे उस वक्त भी करतारपुर साहिब मांग लेते तो देना पड़ता, मगर याद नहीं आया। इसके बाद सालों से दुनिया भर के सिख हिंदू मांग करते रहे एक कॉरिडोर बन जाए, हम नानक देव महाराज को श्रद्धांजलि दे, उनका स्मरण कर पाए। नहीं बनाया। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने। और 70 साल से ये राम जन्मभूमि का मंदिर ये कांग्रेस पार्टी अटका कर रखी थी, भटका कर रखी थी, लटका कर रखी थी। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, न केवल करतारपुर साहिब, न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम किया, और सोमनाथ का मंदिर भी सोने से मढ़ने का काम चालू हो चुका है। भाइयों बहनों, चालू हो चुका। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। मुझे बताना लुधियाने वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, ये आप पार्टी हमें डरा रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। आज मैं गुरुओं की धरती से कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, हम सीए लाते पाकिस्तान में बचे हुए, अफगानिस्तान में बचे हुए, बांग्लादेश से आए हुए सिख हिंदू भाई बहनों को नागरिकता देने की, ये आप पार्टी इसका विरोध करती, ये कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती। एक और तो घुसपैठियों के लिए आप लाल जाजम बिछाते हो, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को आज कहने आया हूं, इतने सालों से एक मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, पंजाब के हर घर से एक बेटा जवान होता है जो देश के सीमाओं की सुरक्षा करता है। वन रैंक वन पेंशन की मांग राहुल बाबा आपकी दादी के समय थी, आप नहीं देते थे। पंजाब वालों, 14 में मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का काम पूरा कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस पार्टी ने, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाब को घाव देने का काम किया है। आजादी के वक्त विभाजन का घाव दिया, फिर बंटवारे का घाव दिया, अस्थिरता का घाव दिया, उग्रवाद पनपने दिया, और
आज भी अलगाववाद आगे बढ़ा रहे हो, दिल्ली में सिखों का नरसंहार कराने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, पंजाब को नशे की आग में डालने का काम भी एक कांग्रेस और आप पार्टी कर रही है, आप पार्टी कर रही है। मैं आज ये कोई चुनावी बात नहीं, बड़े मन से पंजाब की जनता को कहने आया हूं, मेरे मन में आपसे ज्यादा पीड़ा है पंजाब के युवाओं को नशे की हालत में देखकर, आपसे ज्यादा पीड़ा मेरे मन में मेरे हृदय में होगी। हम इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। चुनाव को बाजू पर रखिए, मैं लुधियाना में कहकर जाता हूं पंजाब की जनता को, अगले 5 साल में मोदी 3 में पंजाब से नशे की गर्त को मूल समेत उखाड़ कर हम समाप्त कर दें।